सर, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप जो है वो फराज़ुर रहमान की एक ब्रेन चाइल्ड था, जो आज से 3 साल पहले उसने हमसे डिस्कस किया कि मैं इस तरह से काम करना चाहता हूँ। हम लोग बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं लेकिन उसका हासिल उसूल कुछ नहीं होता। केक काटते हैं, पार्टीज करते हैं, ये आम रूटीन है हम लोगों का, लेकिन एक यूथ के लिए, अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए हम कुछ नहीं करते। एक कारोबारी आदमी जो है वो किस तरीके से अपने मुल्क को आगे लेके जाए, ये उसको बहुत ज़्यादा परेशानी थी। और उसने जब हमसे इजहार किया कि मैं इस तरह का पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो हमने उस पर लबैक कहा और हमने कहा कि जो आपका विजन है हम उसके आपको साथ लेके चलते हैं। यही वजह है कि हमने जो है आज 3 साल हो गए, ये 5 लोगों का कारवां शुरू हुआ था और आज माशाल्लाह से 2000 से ज़्यादा मेंबर, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो है हमारा UAE चैप्टर, चाइना चैप्टर, UK चैप्टर, कैनेडा, मलेशिया और ये बेशुमार हम जगहों पे जो है इसके अलावा भी हम काम कर रहे हैं अभी। अ प्लेटफॉर्म दैट इज मेड बाय मिस्टर फराज़ुर रहमान साहब, जैसे कि अली भाई ने आप लोगों को बताया कि 3 साल पहले फराज भाई ने हमें बिठाया और कहा कि यार कुछ अलग करते हैं, बहुत हो गई गेट टुगेदर, चाय पे बैठना, रात को लेट नाइट सिटिंग्स और उसके बाद घर जाके सो जाना, इससे मिलता क्या है, हमें क्या हासिल होता है इससे, हम क्या मैसेज पहुंचाते हैं अपने यंगस्टर्स को, हम क्या मैसेज पहुंचाते हैं अपने मुल्क के लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा यूथ किस तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो वहां से हमारा ये बेसिकली कारवां स्टार्ट हुआ। इट वॉज 5 पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ जिसपे हमने पहला प्रोग्राम स्टार्ट किया और वहाँ पे माशाल्लाह से हमने पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप को रमज़ान में इनोग्रेट किया और वहाँ से ये कारवां स्टार्ट हुआ। पहले जब हमने फराज़ुर रहमान की आइडियोलॉजी सुनी तो उस वक्त दोस्त होने की हैसियत से ही हम सब फराज भाई के साथ खड़े थे, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो हमें उनकी आइडियोलॉजी पे यकीन होता गया और स्पेशली जितना हमने क्राउड जमा किया है 3 सालों में, ये जो PPG है वो आप मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा एक कम्युनिटी की शक्ल में तब्दील होती भी नज़र आ रही है इंशाल्लाह। और स्पेशली जो हमारा जो बुनियादी मकसद था वो छोटे कारोबारी हजरात को और स्पेशली जो जॉब गोइंग लोग थे उनको फैसिलिटेट करना था। विजन वो नहीं है व्हाट यू सी फ्रॉम योर फिजिकल आईज, क्योंकि अगर मैं अपनी इन निगाहों से देखूं तो इसकी एक लिमिट है ना, इसकी एक लिमिट है, ये थोड़ा देख सकती है, उससे आगे नहीं देख सकती। विजन ये है व्हाट यू सी नॉट फ्रॉम योर फिजिकल आईज बट फ्रॉम योर हार्ट एंड फ्रॉम योर माइंड आईज, यानी दिल और दिमाग की निगाहों से देखना, एंड दैट्स व्हाट लीडरशिप इज। जो इन्होंने कहा ना कि अब जॉब्स नहीं और अब एंटरप्रेन्योरशिप की बात और अब बिजनेस की बात, तो ये एक एबनॉर्मल चीज को देखना, इसमें बहुत सारी बात हो सकती है लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप और जब आप बिजनेस की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उसके लिए थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि जब तक आपको फाइनेंशियल जानकारी नहीं होगी आप बिजनेस को कैसे मैनेज करोगे, अब एक पर्सनली आप अपने आप को नहीं मैनेज कर सकते जब तक फाइनेंशियल लिटरेसी ना हो। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े जहन बैठे हुए हैं सर, हम 100 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद हम अभी भी आज़ाद नहीं हुए, इसलिए आज़ाद नहीं हुए कि हमारे यहाँ तालीम के 2 सिस्टम, एक सिस्टम में मेहबूम पैदा होते हैं और दूसरे सिस्टम में हाकिम पैदा होते हैं। अंग्रेजों की तालीम का मैार देख लें आप और कैम्ब्रिज की तालीम का मैार देख लें, क्या इनका कोई मुकाबला है हमारे बच्चों का? ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि इस कैम्ब्रिज की तालीम को पाकिस्तान से भगा दें, आप बाहर करें,
तो यही कैम्ब्रिज का कोर्स हमारे यहाँ बनाए ताकि हमारे नौजवान बच्चे यहाँ रहें, हमें पता चले कि कौन बच्चा होशियार है, कौन बच्चा बहुत ज़्यादा मुल्क को संभाल सकता है। कैम्ब्रिज सिस्टम एक साजिश है, ये साजिश ये है कि एक तो गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता है और दूसरा जब अच्छे अच्छे बच्चे जब ग्रेड में आते हैं जो 11 एज लेते हैं वो आपके पाकिस्तान में नहीं रहेगी, वहाँ से स्पेशली वीज़ा आ जाएगा, आपके जितने अच्छे जहन हैं सबको बाहर दिया जाएगा। इसके लिए तमाम के तमाम विदेश होने पर मौजूद हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा एजुकेशन भी हैं तमाम हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा इस बात को जोड़ कर जोड़ देना है कि हमको इस मुल्क में इम्पोर्ट सब चीज़ें इम्पोर्ट करें। प्रायोरिटी सेट होना बहुत ज़रूरी है, अगर हमने प्रिवेंटिव साइड के ऊपर और प्राइमरी हेल्थ केयर को जोर नहीं दिया तो हमको हर मोहल्ले में अस्पताल बनाना पड़ेगा। और सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर हम सिर्फ अगर हमारे अलबाब इख्तियार सिर्फ ये फैसला करेंगे कि अगले 5 साल हम सिर्फ इस फॉर्म को सिर्फ 7 पानी देंगे और सैनिटेशन प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह, क्योंकि 60% से ज़्यादा बीमारियाँ सिर्फ साफ पानी से गायब हो सकती हैं। लोकल प्रोडक्ट्स पर ध्यान दें, ये बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि जब हमारा इशू इस मुल्क का बैलेंस ऑफ ट्रेड है तो आप लोग बैठे हुए हैं जो इस बैलेंस ऑफ ट्रेड को अगर हम बैलेंस कर लें कि आप सोचें कि जो डॉलर है 300 रुपये का है, 300 रुपये का है, अगर वो 1 रुपये का हो जाए तो हमारा कर्जा कितना कम हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हमारी बेहतर। आप सोचिए, जस्ट इमेजिन, और ये हो सकता है, ये नहीं कि ये 5 साल बना तो डॉलर 1 रुपये का ही था, डॉलर और रुपये बराबर ही थे। ये हमें हमारे साथ कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज हुए हैं कि इस तरह हम इस चीज़ में आ गए। तो नाउ इट्स अ राइट टाइम और इट्स अ ब्राइट टाइम आप सब बिजनेसमैन के लिए है कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि लोग चाह रहे हैं कि हम वो प्रोडक्ट इस्तेमाल न करें जो इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए बहुत सारे चीज़ें बैकग्राउंड में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप सब बिजनेसमैन टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। ये हमारी अप्रोच होगी इंशाल्लाह ताला, हमारे तमाम मेंबर्स इन्हीं अप्रोच के हामिल हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये पौधा जो हमारे वालिद ने काटी की सूरत में लगाया था और एक पौधा जो अल्लाह ने मेरे से लगवा दिया, शायद 10-20 साल बाद मैं आऊँगा नहीं आऊँगा, मगर ये पौधा मैं समझता हूँ कि ये वैसे ही फलेगा फूलेगा अगर इन लोगों ने 3 चीज़ों का हमें अपनी यंग लीडर्स को बनाना है। मैं सलूट किसको करता हूँ, आने वाले यंग लीडर्स को सलूट करता हूँ। तुमसे है पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान, पाकिस्तान है ही तुमसे, 60% हो तुम लोग, तुम अगर खड़े हो गए अपने पैरों पे तो समझो पाकिस्तान खड़ा हो गया अपने पैरों पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमैरा अनवर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजनेस न्यूज़ प्रोग्राम करंट बिजनेस अफेयर्स। नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के फॉर कॉर्पोरेट इवेंट में मौजूद हैं और हमारे साथ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के कर्ता धर्ता इसकी बुनियाद जनाब फराज़ुर रहमान मौजूद हैं और इनसे जानेंगे आज के कॉर्पोरेट डिनर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सुमैरा, कैसी हो बेटा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सुमैरा, बेसिकली कॉर्पोरेट डिनर, जैसे कि तुम्हें पता है कि ये हमारा 4th कॉर्पोरेट डिनर है और कॉर्पोरेट डिनर का मकसद जो है वो लोगों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने का एक सिलसिला होता है और मकसद यही होता है कि जी B2B और B2C एक्टिविटीज़ जनरेट हों, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हमारे जो हैं वो मिलते रहते हैं आपस में और एक दूसरे के साथ उनके कोई ना कोई काम रिलेशंस स्टार्ट भी हो गए,
अभी बहुत बड़े मिशंस हैं, ज़ाहिर है दुबई चैप्टर के साथ भी कराची चैप्टर वाले लोग जो है वो कनेक्ट हो गए, मलेशिया चैप्टर के साथ कराची चैप्टर वाले लोग अटैच हो गए। तो बेसिकली ये कॉर्पोरेट डिनर जो रखा जाता है ये नए न्यू कमर्स के लिए रखा जाता है कि उनको हमारी सोच, हमारा विजन पाकिस्तान के लिए, हमारी सोच आने वाली नस्लों के लिए, हमारी सोच ये मालूम चले। क्योंकि जब तक उनको ये पता नहीं चलेगा तो वो हमारा हिस्सा कैसे बनेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा शख्स के जो सोच से इत्तफाक नहीं करता तो वो जो है वो ना जुड़े तो बेहतर है। वो लोग जो कि पेट्रियोटिक माइंड हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान खपे, ठीक है ना, नौजरदारी साहब कहते थे पाकिस्तान खपे, तो पाकिस्तान खपे जो है उसका नारा मारें और आज जनाब पीबीजी के दरवाजे सबके लिए खुले। इतनी अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी है और जितनी इस एसोसिएशन को, ऑर्गेनाइजेशन को अल्लाह पाक ने तरक्की दी है, मैं इसको अब एक कम्युनिटी की शक्ल में ग्रो करता हुआ देख रहा हूँ। चूँकि जितने हमारे चैप्टर्स खुल चुके हैं, हमारे मेंबर्स की तादाद हज़ारों में जा चुकी है और उसकी वजह से हम लोग जो हैं वो एक कम्युनिटी की तरह सोचते हैं। कोई भी हमारे पास आता है किसी भी तरह का काम लेके, हम ये नहीं सोचते कि हमारा मेंबर है या नहीं है, हम उसको अपनी कम्युनिटी का, सोसाइटी का एक हिस्सा समझते हुए हम उसको इनवाइट करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आता भी है, हम उसके काम भी करते हैं और वो मेंबर बनता भी है, अभी नहीं भी बनता। जैसे आज के डिनर में आपने देखा है सैकड़ों हम लोगों ने नए दर्जनों दोस्तों को बुलाया है जो कि हमारी इस एसोसिएशन से बहुत इंस्पायर हैं। लेकिन जी पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के 2 साल तकरीबन जो है से ज़्यादा अरसा हो गया है और हम अपनी रिवायत को कायम रखते हुए ये 4th कॉर्पोरेट इवेंट है जो आज हम इनेकाद कर रहे हैं कराची में, और ये चाहते हैं हम के B2B और B2C पे जो है वो काम करें, और जो है इसी वजह से हमने जो है पूरी बिज़नेस कम्युनिटी को हम बुलाते हैं और उनको यूथ के साथ इंटरेक्ट कराते हैं ताकि बिज़नेस जो है वो ग्रो कर सके और लोग जो हैं वो जॉब ढूंढने के बजाय कारोबार की तरफ आएँ। और यही वजह है कि फराजुर रहमान ने कोशिश की है कि एक कैंपेन चलाई जाए बनो कारोबारी, और बनो कारोबारी में हमने यही बच्चों को कहा है कि आप जॉब छोड़ के कारोबार की तरफ आए। अच्छी गैदरिंग थी PBGO की, इन्होंने अपनी रवायत को कायम रखा, हमेशा से ये इसी किस्म की इवेंट्स करते हैं और इनके इवेंट्स में आके डेफिनेटली एक तो मुलाकात का मौका मिलता है, बहुत से लोगों से मुलाकात हो जाती है, माशाल्लाह बहुत क्वालिटी गैदरिंग होती है इनकी, खाना बहुत अच्छा था और फराज साहब की जो मेहनत है और उनकी जो एफर्ट्स हैं वो सामने नज़र आती है, ना सिर्फ फराज साहब बल्कि उनकी पूरी टीम की, तो बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला इनको और इसी तरह तौफीक दे के इसी तरह के इवेंट्स ये करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप का कॉर्पोरेट डिनर था, मैं यहाँ पे आया था, बहुत अच्छा डिनर रहा, बहुत अच्छी यहाँ पे जो है वो सारा इंतज़ाम था। यहाँ पे फराजुर रहमान साहब ने जो है वो बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। यहाँ पे असल मकसद यही था कि डिफरेंट बिजनेस सेक्टर के लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करें और अपने अपने बिजनेस को बढ़ाएँ। मैं यहाँ पे अलनाफे फ़ंड मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करवाने आया था और ये बेसिकली दुबई बेस्ड एक कंपनी है, फ़ंड मैनेजमेंट कर रहे हैं ये, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर ये काम कर रहे हैं और बेहतरीन ये इसका जो है रिटर्न दे रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है मैं फराजुर रहमान को मुबारकबाद दूंगा कि न सिर्फ कराची में बल्कि पूरी दुनिया के बिजनेसमैन को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। इतनी सी छोटी सी पीरियड में इन्होंने जो मेम्बर बनाए हुए और जिस तरह इन्होंने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हो रहा है, इस तरह के प्रोग्राम में बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए कि बिजनेस से मुलाकातें होती हैं, कौन क्या बिजनेस कर रहा है, किसको क्या ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, आज इन्होंने बात कही है तो इसी फोरम के ज़रिए वो जो बिजनेस इस वक्त तमाम के तमाम 50 और 60+ लोग थे, अब यही मुंतकिल करेंगे नई नस्ल में। जब नई नस्ल बिजनेस में आएंगी तो पढ़ी लिखी नई नस्ल होगी और माशाल्लाह इस मुल्क को बनाने में 4 चांद पैदा करेंगे। माशाल्लाह आपके बच्चे भी माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी लंबी ज़िंदगी दे और आपको तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना, बहुत ही सीनियर पर्सनालिटी को अब्दुल मजीद अब्दानी, इनका कहना है कि जी पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, बिज़नेस कम्युनिटी को साथ लेकर चल रही है, उनके मसाइल को देख रही है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सुमैरा अनवर को, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी ऐलान के बाद।